लगभग 2003 में एक आगरे में अधिवेशन हुआ था बामसेफ का, और उस समय मेरे एक मित्र बामसेफ में जो काम करते थे उनके साथ लगभग मैं एक साल तक रहा। वो अधिवेशन में मैंने पूरा परिषद के हिस्सा लिया और वो अधिवेशन में मैंने काम भी कराया। वहाँ हम नीचे जमीन पर सोते थे, दरियां बिछाते थे, कनात में और शामियाने में पड़े रहते थे। गाड़ी मेरी ही होती थी, वही टूटती थी, वही फूटती थी। दिल्ली से जो लोग आते थे, जो उसके पदाधिकारी थे, उनको लेके जाना और आगरे तक पहुंचाना, वहां उनके रहने खाने का करना, फिर वहां से आना। उसके बाद मैंने देखा वहां वो अधिवेशन में और उनका क्रियाकलाप देखा, उनका कार्यक्रम देखा। एक साल तक मैंने स्टडी किया और मैंने ये पाया कि ये किसी मुकाम पर नहीं पहुंचेगा। ये जो कारवां है ये ऐसे ही भटकता रहेगा। इस कारवां के पास में कोई भी गाइडलाइन नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। ये सिर्फ लोगों को एक तरह से भ्रम जाल में फंसाने का, फैलाने का, समय बर्बाद करने का, पैसे बर्बाद करने का कार्यक्रम है। आज उस बात को लगभग 17 साल हो गए हैं, अभी तक तो वो कारवा कहीं पहुंचा नहीं। कई बार प्लानों की घोषणा हुई कि हम 2010 में यहां तक पहुंचेंगे, 2012 में यहां तक पहुंचेंगे। लोगों ने लाखों रुपया दिया, लोगों ने अपना टाइम दिया, मगर वो कारवा कहीं नहीं पहुंचा। उसके दो चार आदमी हैं जो अपने आप को सोचते हैं कहीं पहुंचेंगे, मगर वो पहुंचा कहीं नहीं। वो जो व्यक्ति है बामसेफ में, मैंने उनसे कई बार कहा कि ये कारवां कहीं पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो ये बहुत छोटे 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 कारवां में टूट कर रहता है, दूसरा यह है कि ये सब लोग इकट्ठे नहीं है, तीसरा यह है कि ये बाबा साहब की आइडियोलॉजी नहीं मानते हैं, चौथा यह है कि इनके पास में बुद्धिमानों का लिए कोई जगह नहीं है। ये बुद्धिमानों का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उनको मंच पर बैठाते हैं, उसके बाद में उनको छोड़ देते हैं। तो ये खुद ही बुद्धिमान है, इन्हें बुद्धिमानों की जरूरत नहीं है। ये कहते रहते हैं कि एक थिंक टैंक, दरअसल ये किसी थिंक टैंक को पसंद नहीं करते, और जो इनके साथ कोई आता है काम करने के लिए ये उसका शोषण करते हैं, उसके बाद में वो चला जाता है। और ये पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ब्लॉक करके रखते हैं, उसको व्यक्तिवाद पे आधारित रखते हैं, और उस तरह से लोगों को ये भ्रमित करते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता, और जब तक समझ में आता है तब तक वो लुटपिट जाता है। तो जो मेरे मित्र हैं, कार्यकर्ता हैं, मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है कि ये कारवां कहीं पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये अकेला कारवां कहीं नहीं पहुंचेगा जब तक ये सारे नहीं मिलेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको छोड़ते क्यों नहीं, या आपने ये जो नेता है इनको कहते क्यों नहीं। तो कहते हैं कि मैंने इसमें जीवन लगाया है, पैसा लगाया है, मेरी यहाँ एक पोजीशन है, मेरा यहाँ एक रेस्पेक्टेबल नाम है, मुझे यहाँ जी करके बुलाते हैं, और जो मेरे नीचे वाले हैं वो इस उम्मीद में कि कल मेरी जगह आएंगे मेरा सम्मान करते हैं, और ऊपर वाले जो लोग हैं वो इसलिए है कि यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, वो हमको सही बातें बताते नहीं है क्योंकि उनका सिस्टम टूट जाएगा। तो मैंने कहा कि आप अपने लालच से जुड़े हुए हैं, इस बात को मानते हैं। तो उन्होंने कहा मैं 100% इस बात को मानता हूँ कि मेरी जो पोजीशन है मैं उस पोजीशन का आनंद ले रहा हूँ, मेरी जो यहाँ इज्जत है मैं उस इज्जत का आनंद ले रहा हूँ, मैंने जो मेहनत की है, जो मैंने पैसा खर्च किया है, वहाँ एक पोजीशन है। भले ही ये कारवां उस अंतिम लक्ष्य तक ना पहुंचे जिसके लिए बात करते हैं, मगर जो भी मुझे मिला है मैं इसको खोना नहीं चाहता। तो मैंने कहा कि आप सब इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते। कहते इकट्ठे इसलिए नहीं होते क्योंकि अगर इकट्ठे होंगे तो कारवां का नेता कौन बनेगा। तो हमारे नेता को तो इस बात का दर्द और परेशानी है कि ज्यादा लोग नेता आ जाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा, कोई और उससे ज्यादा सक्षम आ जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा। और हमें भी इस बात से दिक्कत है कि अगर सारे लोग मिल गए तो हमारी स्थिति क्या होगी। दरअसल हमें अपनी स्थिति की चिंता है, हमें बाकी और जो हमारा उद्देश्य है उसकी चिंता नहीं है। हम उद्देश्य के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं, मानता हूं, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं। आप कहो तो मैं टीवी पर बोल भी दूंगा इस बात को, हालांकि मेरा जो जी हजूरी है, जो मेरी इज्जत है वो खत्म हो जाएगी। झूठी इज्जत है खत्म हो जाएगी क्योंकि मैं झूठी इज्जत में ही जी रहा हूं। तो बहुत ईमानदार है, मेरे दोस्त हैं, बचपन से साथ रहे हैं, हम दोनों साथ साथ रहे हैं, सारी चीजें आई गई हैं, परिवार का आना जाना है, इसलिए दोस्ती वाली बात है, सारा कुछ है। मैं उनका नाम पता तो नहीं बताऊंगा, मगर उन्होंने जो कही बात वो मैं भी जानता हूं, मगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हर जगह यही हालत है। दरअसल बाबा साहब के जो अनुयायी और बाबा साहब के जो कार्यकर्ता हैं वही बाबा साहब के गद्दार बन चुके हैं। कैसे बन चुके हैं कि दुख में साथ नहीं आते। कोई बच्चा मर जाए कहीं, कहीं कोई सुसाइड कर ले, कहीं कहीं मर्डर हो जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, ये अलग अलग जाते हैं, अलग अलग जाके वहां पे रिप बोलते हैं, अलग अलग जाके कहते हैं बहुत बुरा हुआ, अलग अलग जाके वहां पे प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग जाके बात रखते हैं, अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह जाके प्रदर्शन करते हैं। इससे ये मरे हुए के साथ नहीं होते,
बल्कि मारने वाले के साथ खड़े हो जाते हैं, मारने वाला और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, उसे ये पता चलता है कि ये सब अलग अलग हैं, मारो तो ये अलग अलग चुने आएंगे, अलग अलग रोने वाले का रोना भी कोई नहीं सुनता, वैसे तो कोई रोना सुनता ही नहीं है, मगर अलग अलग रोएंगे तो उनका कोई रोना भी नहीं सुनता। दूसरा, ये जो मौतें होती हैं, जिस भी तरह की हत्याएं होती हैं, जो सामूहिक हत्याएं होती हैं, जो संस्थागत हत्याएं होती हैं और जो इनडायरेक्ट हत्याएं होती हैं, इनडायरेक्ट हत्याएं कैसी होती हैं, जैसे भूखे लोग जा रहे हैं, दवाइयां नहीं हैं, पढ़ाई नहीं है, तनख्वाही नहीं है, रोजगार नहीं है, ये जो जितनी व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें आदमी धीरे धीरे करके मरता है और डायरेक्ट नहीं मारा जाता मगर इनडायरेक्ट लाखों करोड़ों में मरता है, ये उसके लिए कभी सामूहिक रूप से आवाज नहीं उठाते, ये कभी नहीं कहते कि ये जो संस्थागत चीजें हैं, ये जो इनडायरेक्ट किलिंग है, जो ये अप्रत्यक्ष रूप से जो हत्याएं हो रही हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से लोग मारे जा रहे हैं या उनके मारने का इंतजाम किया है, उसको मिलके सब आवाज उठाएं, अलग अलग आवाज उठाते हैं, अलग अलग मंच पे अपनी विद्वता झाड़ते हैं मगर इकट्ठे होकर दुख में नहीं आते। अगर संविधान जलता है तो संविधान जलने की जो बात उठाते हैं अलग अलग मंचों से अलग अलग तरीके से उठाते हैं और फिर उसको देखते भी नहीं है कि क्या आगे हुई कार्यवाही क्या नहीं हुई। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ को सब चिल्लाते हैं मगर संविधान जल गया इस बात के लिए इकट्ठे होकर सब नहीं आए। इसलिए बाबा साहब के ये रक्षक नहीं है, बाबा साहब की अनुयायी नहीं है, ये बाबा साहब के गद्दार हैं, क्योंकि जिस संविधान की ये दुहाई दे रहे हैं उसके जलने पे, उसके खत्म होने पे भी ये एक साथ नहीं आए हैं, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। जितने भारत में बेरोजगार युवक हैं सब इनकी टोली में, मंडली में हैं, अलग 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 जितने भी संगठन हैं सब में कुछ 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 बेरोजगार युवक हैं, मगर ये सारे मिलके बेरोजगारों की आवाज नहीं उठाते, क्योंकि सारे मिलके बेरोजगारों की अगर आवाज उठाएंगे तो बेरोजगारों का एक ग्रुप बन जाएगा तगड़ा, और हो सकता है कि बेरोजगारों का फिर जो ग्रुप बनेगा वो इनको ही ना बेरोजगार कर दे। इसलिए अपनी बेरोजगारी बचाने के लिए ये बेरोजगार जो युवक हैं उनकी कोई आवाज मिलकर नहीं उठाते, अलग अलग चर्चाएं करते रहेंगे मगर सामूहिक रूप से प्रदर्शन या सामूहिक रूप से ज्ञापन कभी नहीं देते, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी और बाबा साहब के संगठन और बाबा साहब के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है, उनसे गद्दारी है। गलतवाद का विरोध कभी भी एक साथ नहीं करते, अगर कोई बात गलत पास हुई है या कोई गलत बुलाया है या गलत नियम बना है तो अलग अलग डेट पे अलग अलग चर्चाएं करेंगे मगर कभी भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे। आपने कभी भी इन सबको इकट्ठे एक साथ होने की बात करते हुए भी नहीं सुना होगा, इकट्ठे तो हुए ही नहीं है, टूटते हुए बहुत सुना होगा मगर इकट्ठे होने की बात करते हुए या ये सोचते हुए कि इकट्ठे हुए बिना हमारा काम नहीं चलेगा ये बात भी जिक्र करते हुए भी आपने कभी किसी को सुना नहीं होगा। जबकि सारे जितने भी लोग हैं उनको मन से कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, मगर खुद इकट्ठे होने का जिक्र भी नहीं करते। इनको अंदर से डर रहता है कहीं सारे इकट्ठे हो गए तो मेरी नेतागिरी कहाँ जाएगी, मेरी नेतागिरी नीचे ना खिसक आ जाए, मैं तो बड़ा नाकाबिल आदमी हूँ। क्योंकि काबिल अगर आदमी होगा तो इकट्ठे होने से डरेगा नहीं, और अगर नाकाबिल आदमी होगा तो इकट्ठे होने से बहुत डरेगा, क्योंकि जो नेता बन जाता है, जिसको बीच की कुर्सी का चस्का लग जाता है, जिसको भाषण देने का शौक पड़ जाता है, जिसको साहब साहब और अध्यक्ष अध्यक्ष कहने का शौक पड़ जाता है, जिसको प्रधान जी कहने का शौक लग जाता है, जिसको प्रेसिडेंट साहब का सिग्नेचर करने का या प्रेसिडेंट साहब लिखने की आदत पड़ जाती है, या जिसके दो चार आदमी पीछे कहते हैं साहब साहब प्रेसिडेंट साहब, उसको आदत लग जाती है, ये राग बहुत बुरा होता है। इस राग में नहीं दिखाई देता कि उद्देश्य क्या है और क्या नहीं है, मेरा कुर्सी सलामत रहे, मेरा साहब सलामत रहे, मेरा जो अध्यक्ष है वो रहे। रिटायर होने के बाद भी लोग चुपके रहते हैं, इसी में पड़े रहते हैं कि हम अध्यक्ष बने रहें, ये रोग बहुत बुरा है जो सारे उद्देश्यों को लेके जाता है। इसलिए जितने भी समझदार कार्यकर्ता हैं, जितने भी युवक हैं, वो इस बात को समझें कि आपका भला होने वाला नहीं है जब तक आप इनका ग्रेवान और कॉलर नहीं पकड़ेंगे। कि आप हमको कहते हो कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, संगठन में शक्ति है, बाबा साहब ने कहा इकट्ठे होना है, संगठित होना है। अरे बाबा साहब ने तुमसे नहीं कहा कि इकट्ठे हो जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम कौन सा बाबा साहब पढ़ाते हो, हमें कौन सा पढ़ाते हो, तुम्हारा कौन सा नया बाबा साहब है, तुम्हारा बाबा साहब कोई और, हमारा बाबा साहब कोई और, तुम ये दो नीति कैसे चलाते हो, तुमको शर्म नहीं आती। जब बाबा साहब ने यह कहा है कि संगठित हो जाओ तो सबके लिए नहीं कहा, तुम बाबा साहब का झंडा लेके खड़े रहते हो और तुम झंडा हमें पकड़ा देते हो, तुमने कभी उस झंडे के नीचे आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम संगठन तोड़ते हो और बाबा साहब का गद्दारी करते हो और बाबा साहब का खून करते हो और बाबा साहब का कत्ल करते हो, तुमको जरा भी हिचक नहीं आती, जरा भी शर्म नहीं आती, जरा भी नहीं सोचते कि उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं, इकट्ठे हो जाएं। संविधान जल गया, बच्चे मर रहे हैं, सारे अधिकार चले गए,
नौकरियां चली गई, आरक्षण चला गया, बेरोजगारी आ गई, भुखमरी आ गई, बीमारी आ गई, तुम इकट्ठे नहीं हुए, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम हमारा खून पियोगे, हमें पूरा मरवा दोगे तब इकट्ठे होगे। ये याद रखना कि अगर हम मर गए तो तुम भी मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी नेतागिरी हमसे है, ये ध्यान रखना इस बात को। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बाबा साहब की गद्दारी को छोड़ो और बाबा साहब के अनुयायी बनो, बाबा साहब के भक्त बनो। बच्चे बहुत परेशान हैं, बेरोजगार हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, खाने को रोटी नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, उनकी शादियां भी नहीं हो रही हैं, उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है। इस बात को सोचो, अपने ईगो अहम को अपने घर रख के आओ या अपनी नेतागिरी को अपने घर छोड़ के आओ, यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के आओ, एक रिफॉर्मर बन के आओ। और नहीं आ सकते हो तो छोड़ दो, डिक्लेयर कर दो, ये नौजवान अपने आप संभाल लेंगे जैसे उन्होंने 2 अक्टूबर को संभाला था। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने YouTube पर, अपने Facebook पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहाँ से डाउनलोड कर टीम 22 से या Facebook से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुँचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sarnam Gacchami.